आप भी लाना चाहते हैं 99% नंबर तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मोबाइल पर अंगुलियां चलाओगे तो 90% नहीं पाओगे। जब पूरे दिन पेन चलाकर अंगुलियां चलाओगे तब जाकर 90% पाओगे। अगर आप चाहते हो 2022 बोर्ड एग्जाम में आपको यह ना बोलना पड़े कि काश मैंने पढ़ लिया होता, क्योंकि अब ऐसा समय आ चुका है कि अगर आप मेहनत करोगे तभी अपना टाइम ला पाओगे। मैं आपको बता दूं, अगर फरवरी में जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग वैसे पढ़ाई करते तभी 90% ला पाएंगे और आपका टाइम नहीं आ पाएगा। लेकिन मेरा मानना है अगर खुद पर विश्वास है तो कभी भी शुरुआत करके 90+ लाया जा सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूं कि सुबह उठकर पढ़ो, टाइम टेबल बनाकर पढ़ो, पढ़ाई में मन कैसे लगाओ। ऐसे वीडियो आप सभी को हजारों YouTube पर डेली देखने को मिल जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो कि आप सभी को YouTube पर आज तक कोई नहीं बताया होगा, और आप सभी को आज जो भी चीजें बताई जाएगी बहुत ही सटीक और इम्पोर्टेंट बताई जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को 4 तरह के छात्र देख रहे होंगे। एक तो वह छात्र होंगे जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े हैं, और कुछ ऐसे छात्र होंगे जो छात्र पूरा पढ़ चुके होंगे, और कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो 50% ही, जो आधा पढ़े हैं और आधा नहीं, और कुछ तो ऐसे छात्र होंगे जो अभी सोच रहे हैं कि शुरुआत करेंगे। आप जितने भी दिन 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी को 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा, और अगर आप इन्हें रोज फॉलो करते हैं तो आपको 90+ स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये मैं वादा करती हूँ। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया है तो सबसे पहले आपका एक गोल सेट होना चाहिए, तो आपका एक टारगेट सेट होना चाहिए कि आपको 2022 बोर्ड परीक्षा में 90% स्कोर लाना है। अगर आप टारगेट नहीं रखेंगे तो मेहनत कैसे करेंगे? आप जहां पढ़ते हो उसके सामने पेज पे लिखो इतने परसेंटेज लाना है तो लाना है, फिर चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। और फिर जो चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसको एक कॉपी पर लिख लेना है। फिर हर एक सब्जेक्ट के 3 से 4 पेजेस नोट्स बनाने हैं, जैसे कि शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इसके अलावा न्यूमेरिकल है, लॉन्ग आंसर है, और भी आप जो भी कुछ पढ़े हैं उसके भी नोट्स बना लेने हैं। फिर आपको उन्हें हर वीक रिवीजन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपने जितना भी पढ़ा है सब भूल जाओगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। फिर सबसे पहले आप देख लो कि किस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फिर उन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, फार्मूले हो गए, रिएक्शन हो गए, और कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए जो कि सबसे ज़्यादा नंबर के हैं, उन्हें आप तैयार कर लो। आपको 2 से 3 महीने इस तरीके से पढ़ना है कि आप मैक्सिमम पासिंग मार्क्स ला सको। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको 20 से 25 नंबर दिला सकता है, जैसे कि हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, और भी अदर सब्जेक्ट हुए जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और हर साल ये क्वेश्चन बदलते नहीं हैं। लॉन्ग क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप देख लीजिए किस अध्याय से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हें अपने भाषा में एक कॉपी पर लिख लो, फिर उन्हें याद करो। इतना करने के बाद आपको एक कड़ी स्मार्ट वर्क करना है। और अब सभी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है, उसी के हिसाब से तैयारी करो। सबसे पहले आपको उनको देखना है पेपर कैसा आएगा, प्रश्न कितने आएंगे, और फिर उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। इतना करने के बाद जो अध्याय आपने पढ़ लिए हैं उसको रटना नहीं है, ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मैथ के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपको हल करके देखना है कि आप हल कर पा रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, आपके एग्जाम में 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला बहुविकल्पी, दूसरा अति लघु, तीसरा लघु उत्तरी, और चौथा दीर्घ उत्तरी। आपको इन सभी टाइप के क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक में देखना है, कौन से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें याद कर लो, और जो
ज़्यादा मार्क्स के हैं उन्हें बार बार याद करो ताकि भूले ना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स ऑल द वेरी वे।